तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया फिल्म वाला से बात करने के लिए। तो आप ये बताइए कि अभी इतने दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, जी और तो कैसे आप अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं? पहली बात तो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि मुझे आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से सोच में पड़ गया था कि मैं क्या करूंगा, कितने दिन तक ऐसे मतलब फिल्में देखते रहेंगे नेटफ्लिक्स पे या जो भी प्लेटफॉर्म है, जी कितनी स्क्रिप्ट्स पढ़ेंगे, कितना क्या क्या करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अब वक्त तो गुजारना ही है, तो नेटफ्लिक्स में मैं काफी कुछ देख चुका हूँ, देख भी रहा हूँ, अमेजोन पे भी मैं देख रहा हूँ, जी और एक आध स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी वो भी मैं पढ़ चुका हूँ। अब उनके बारे में मुझे डिस्कस करना है जिन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट भेजी हैं। जी और दूसरी बात यह है कि अब घर में रहते रहते थोड़ी बहुत बॉन्डिंग तो हो ही जाती है, क्योंकि जी 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 अब मेरी ग्रैंड डॉटर भी हमारे साथ रह रही है जो बचपन से हमारे साथ थी, तो उसके साथ कुछ वक्त गुजारना, टेरेस पे जाना, कुछ खेलकूद करना, ताकि उसको भी महसूस हो कि हाँ हम सब एक साथ हैं, जी जी और घर में जितना भी काम हम एक साथ बटा सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तो बस यही है, और पता नहीं और कितने दिन ऐसे जीना पड़ेगा, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि कुछ वक्त और लगेगा इसको खत्म होने में। अच्छा, आप ये बताइए कि जब ये शुरू हुआ कोरोना जी वायरस वाला सिचुएशन, राइट, तो आप कहाँ थे और आपको कैसे मालूम हुआ कि ये आउटब्रेक हो रहा है और अब लगता है कि शूट वूट नहीं होगा कुछ दिन? कब आपको ये महसूस हुआ? महसूस हुआ जब मैं सिंगापुर में था फेब्रुवरी में, जी मैंने प्ले जब किया था चितिया पट, उस समय सिंगापुर में थोड़ा बहुत चर्चा थी इसके बारे में, तो जी मैं वर्कशॉप भी करने वाला था वहां सिंगापुर में, आपको शायद पता भी होगा, लेकिन वो वर्कशॉप नहीं हो पाई और मैं वापस चला आया। वापस आने के बाद हमें जाना था ऑस्ट्रेलिया सिडनी, एक शो है हमारा सिद्धूज ऑफ अपर जुहू, जिसको हमने सिंगापुर में भी किया था 2016 में, जी श्रेयसी ने हमें बुलाया था वहां, तो हम गए थे सिडनी और फिर वहां भी फैल गया थोड़ा बहुत, तो हम वहां से भी निकल आए 7 तारीख को। 8 तारीख को मैं चला गया केरला एक हिंदी फिल्म शूट करने के लिए जो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल फिल्म थी। वहां भी धीरे धीरे इंडिया में भी स्प्रेड होने लगा, तो वहां से भी निकल पड़े। तो 12 तारीख को मैं 12 मार्च को मैं वापस आ गया, और फिर 13 मार्च से अब तक होम क्वारंटीन में हूं। अब महाराष्ट्र में तो काफी बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि ये हालात इतने अच्छे नहीं है यहाँ, कैसे कंटेन करेंगे ये पता नहीं, लेकिन केरला में काफी कुछ कंटेनमेंट हो गया है, बैंगलोर में, कर्नाटका में काफी कुछ कंटेनमेंट हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में पता नहीं, सबसे ज्यादा शायद आबादी महाराष्ट्र में ही है, तो उसको कंटेन करना मुझे लगता है गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को काफी कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे ये कंटेन हो सके, नहीं तो ये तो बढ़ता जाएगा और फिर हम ऐसे लॉकडाउन सिचुएशन में कितने दिन और जिएंगे, जी कितने लोगों को कितने लोगों की आमदनी है ही नहीं, और खैर सभी लोगों की आमदनी है नहीं, जो भी काम कर रहे थे, जो भी बिजनेस कर रहे थे, जो जी सर्विस में हैं, जो कंप्यूटर से कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में तो इट्स अ कंप्लीट लॉकडाउन। तो ये जो आपने दाढ़ी बढ़ाई है, ये क्वारंटीन की वजह से है या आप किसी नहीं रोल के लिए कर रहे हैं? एक्चुअली ये दाढ़ी मैं इसलिए बढ़ा रहा था क्योंकि मैं बहुत आलसी हूं और मुझे शेव नहीं करना था, मैंने सोचा नहीं ये फ्रेंच बियर्ड तो थी क्योंकि वो हाँ, वो तो कंटिन्यूटी है, थी। हाँ, लेकिन ये आसपास। 3 4 हाँ, ये बाकी जो है वो मैंने सोचा चलो मैं देखता हूँ कैसे लगता हूँ, अगर दाढ़ी बढ़ा भी ली कैसे, मतलब आज तक मैंने इतनी दाढ़ी नहीं बढ़ाई है और आज तक इतना वक्त भी नहीं मिला दाढ़ी बढ़ाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो बढ़ा ही लेते हैं। जी।
This is yeah, looking nice on you also. शिशिर भाई, हम लोग न्यूज में तो खैर थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं कि बॉलीवुड में लोग खास करके जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं वो बहुत ही मुतासिर हैं, राइट? और बहुत से एक्टर्स उनको हेल्प भी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प कर रहे हैं जी. तो जनरली जैसे आपकी, आई एम श्योर कि आप घर में हैं, फिर भी आपकी बातचीत होती होगी अपने इंडस्ट्री के लोगों से, राइट? डायरेक्टर्स से, राइटर्स से, एक्टर्स से. तो जनरली क्या बातचीत हो रही है और क्या लोगों के महसूसात हैं, ऐसा साथ है उनके अंदर, किस तरह की थिंकिंग चल रही है अभी लोगों के अंदर? थॉट तो एक ही है जफर भाई कि अब माइग्रेंट वर्कर्स तो चले गए वापस जी, जितने भी डेली वेजेस वर्कर्स थे वो तो चले गए वापस. अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारा ही एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम सिंटा कहते हैं, सिने आर्टिस्ट टेलीविजन ऑफ एक्टर्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री. तो उन्होंने भी एक प्रयास शुरू किया है कि कुछ डोनेशन वेलफेयर ट्रस्ट को दे दें. हमने भी वो किया है जी. लेकिन इसकी समस्या सिर्फ पैसों की नहीं है, मुझे लगता है इनको वापस आने में उतना ही वक्त लगेगा. और कैसे आएंगे ये लोग वापस, कब आएंगे ये लोग वापस, ये समस्या बहुत बड़ी है जी. और इंडस्ट्री को शुरू होने में मुझे लगता है बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत से लोग वापस चले गए. सिर्फ राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स से काम नहीं होता है ना. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली वर्कर्स हैं, जो लाइटमैन हैं, जो स्पॉट बॉयज हैं, कैमरा अटेंडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कॉस्ट्यूम है, प्रोडक्शन है. तो ये लोग तो वापस चले गए, अब इनको वापस लाना कैसे, कब, कौन लेके आएगा, इनको पैसे कौन देगा टिकट्स के लिए, इनके पास पैसे हैं कि नहीं है, ये क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ये समस्या तो रहेगी रहेगी. फिलहाल तो ये लोग सब सोच रहे हैं कि हाँ वेलफेयर ट्रस्ट शुरू कर दें या कुछ एक्टर्स मिलके कुछ पैसे दे दिए दे दें. लेकिन वो अभी के लिए समस्या है, बाद में क्या समस्या होगी, कैसे होगी, कौन कौन ये सब करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा जी, ये कब होगा ये पता नहीं. तो इंडस्ट्री को स्टार्ट होने में मुझे लगता है काफी वक्त लगने वाला है. ये नहीं है कि लॉकडाउन खत्म हो गया और इंडस्ट्री शुरू हो गई, मुझे नहीं लगता है ऐसे होने वाला और ऐसे होगा भी नहीं, नामुमकिन है. क्योंकि इतने सारे लोग, इतने डेली वेजेस वर्कर्स हैं कि उनके बिना तो काम करना नामुमकिन है. सिर्फ एक्टर, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के साथ, कैमरामैन के साथ काम करना तो इम्पॉसिबल है. बाकी चीजें भी होती हैं जो ये लोग करते हैं, जिनका सम्मान हमें करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दे आर द हार्डेस्ट वर्किंग पीपल इन द इंडस्ट्री जी. और इनको अगर सम्मान दिया जाए शूटिंग के दौरान तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी उनकी खासियत ये है होगी एक्टरों की, कि उनको सम्मान दे दे. और ऐसे ऐसे वर्कर्स को सम्मान देना बहुत जरूरी है जी. बहुत जरूरी, बिकॉज दे आर द पीपल, दे मेक यू, दे आर द पीपल दैट विल. एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से ये जो थॉट है, ये अभी मैं गार्डियन न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था एक कुछ दिन पहले जी. वहां भी लंदन में भी किसी ने लिखा था इस चीज के बारे में कि जो लोएस्ट लेवल के वर्कर्स होते हैं, राइट, डिलीवरी बॉयज, खाना पहुंचाने वाले, छोटे छोटे काम करने वाले, जिनको शायद उतनी इज्जत और वैल्यू नहीं मिल पाती है आम दिनों में, जी, लोगों को महसूस हो रहा है कि उनका कितना इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम के. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो ये बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंस है इनका. तो मतलब अगर आप इनको सम्मान नहीं देंगे तो वो आपको सम्मान बिल्कुल नहीं देंगे. दे विल नेवर रिस्पेक्ट यू इफ यू डोंट रिस्पेक्ट देम, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड आई थिंक इट इज वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है कि इनको रिस्पेक्ट दिया जाए. जितना भी आप दे सकते हैं उतना उनको रिस्पेक्ट दिया जाए. उनके भी नाम है, उनके माँ बाप ने भी उनको नाम दिए हुए हैं जी. तो अगर आप उनको अपने उनके नाम से पुकारें तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती और ना ही आपकी ईगो को कुछ होता है
अगर वो आपको इतना सम्मान दे सकते हैं, इतना रिस्पेक्ट दे सकते हैं, वो आपको जी करके बुलाते हैं, तो आप कम से कम उनका नाम तो लेके बुला सकते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है जी। और आपको क्या लगता है कि मतलब एक इस कैदोबंद की जिंदगी के अंदर भी यू नो कुछ पॉजिटिविटी तो होगी, जैसे आपने कहा कि हाँ फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है या स्क्रिप्ट्स पढ़ने का मौका मिल रहा है, राइट? आप आपकी तरह और भी बहुत से एक्टर्स होंगे जो बहुत बिजी रहते हैं शूट्स में जी, और जी, जी. उनके पास बहुत लंबी पाइल भी शायद होगी स्क्रिप्ट्स की जो शायद वो पढ़ नहीं पाए जी, जी, तो वो क्या जी, और क्या पॉजिटिव चीजें हैं जो कर पा रहे हैं इस दौरान भी? लेट्स लुक एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। सी आई थिंक बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि वर्चुअली कुछ किया जाए जी, जूम के द्वारा या फिर बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जिसके द्वारा आप बहुत सारे लोग को इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ सकते हैं, कुछ गुफ्तगू कर सकते हैं, कुछ म्यूजिक के लेसन्स कर सकते हैं, कुछ योगा के लेसन्स कर सकते हैं, कुछ डांस सालसा के लेसन्स कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरी बातचीत होती है और बहुत सारे लोग ऐसे कर भी रहे हैं। कुछ लोग सालसा डांसेस की क्लासेस भी करते हैं, कुछ कराटे डांस कुछ कराटे लेसन्स भी लेते हैं, योगा के बहुत सारे ऐसे लेसन्स लोग ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब जितने भी रेडियो स्टेशंस हैं या फिर ऐसे कुछ स्टेशंस हैं जहां लोगों के साथ बातचीत हो सकती है, वो लोग भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। खैर टेलीविजन तो बंद ही हो गया, मतलब अब तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। और नेटफ्लिक्स और अमेज़न पे जितने भी नए प्रोग्राम्स आने वाले थे या आ चुके हैं वो तो एग्जॉस्ट हो गए। अब नए प्रोग्राम्स पता नहीं कब आएंगे, कब वो लोग शूट करेंगे, कब नेटफ्लिक्स या अमेज़न या दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएंगे। ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में जिन्होंने मुझे अप्रोच भी किया है कि ऐसे कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, आप क्या काम करने में दिलचस्पी रखते हैं? मैंने कहा हाँ दिलचस्पी तो मैं रखता हूं, लेकिन जो पिछला जो काम है वो तो स्नोबॉल इफेक्ट तो होगा ही ना जी जी, तो उसका हम कैसे उपाय निकालेंगे? स्केड्यूल तो पूरा क्या तरकीब है चला गया होगा जितना स्केड्यूल बना था। हाँ वो तो बिल्कुल खत्म ही हो गया ना, अब उनको रीशेड्यूल करना स्नोबॉल इफेक्ट तो होगा ही। तो जो भी नए लोग आएंगे उनको हम we can't give them the first preference जी, तो हमको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा और उनको भी एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं कल कल रात में इनफैक्ट पैसिफिक टाइम के हिसाब से ये वैरायटी मैगजीन जो है यूएस की जी, उनका भी एक स्ट्रीमिंग सेशन था, तो थोड़ा मैं वक्त गुजारा वहां पे और इंडस्ट्री के हॉलीवुड के कुछ लोग थे वहां पे प्रोडक्शन से एडवर्टाइजिंग से, तो वो भी इन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे एक इशू उन्होंने ये उठाया कि HBO मैक्स करके एक प्लेटफॉर्म वो कुछ लॉन्च करने वाले थे, तो कुछ लोग ये अभी जैसे लोग घर पे हैं और बहुत ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट देख रहे हैं, तो ये था कि और कंटेंट की जरूरत है, तो शायद HBO ने कुछ 500 आवर्स का फ्री वो प्रोग्रामिंग अवेलेबल किया है टू एंटरटेन पीपल, और HBO मैक्स को भी वो कह रहे थे कि मतलब इज इट पॉसिबल टू यू नो प्रीपोन द लॉन्च एंड ऑल दैट, तो वो कह रहे थे कि इतना आसान तो नहीं है ये करना, बट कोशिश उनकी है। तो इंडिया में कुछ इस तरह के एफर्ट्स हो रहे हैं कंटेंट के हिसाब से इस दौरान? इसका मुझे ज्यादा इसकी मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं भाई, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि एक दो तीन कॉल मेरे पास आए थे पूछने के लिए कि आपके पास कोई ऐसा कंटेंट है जिसने कुछ किया हो या फिर उसकी उसको बेचने में उनको तकलीफ हुई हो, तो एक आध मैंने रेफरेंस तो दिया है, अब देखते हैं वो, क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट्स कॉन्टेंट नाउ। बिल्कुल, अब इतने दिनों तक अगर लोग घर में रहेंगे तो कॉन्टेंट की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी जी। तो ऐसा हाँ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने
ऐसा सोचा होगा जैसे HBO मैक्स ने सोचा है कि कुछ ऐसे 500 आवर्स अवेलेबल करने के लिए, लेकिन अब तक मेरे सुनने में कुछ ऐसा आया नहीं जी। और चलिए आगे आखिर की तरफ ये देखते हैं कि जब इससे निकलने वाले होंगे हम लोग, राइट, अभी लॉकडाउन है, फिर पता नहीं एक्सटेंड हो जाए, क्या हो जाए, तो दो तीन चीजें जो मुझे लगती हैं कि शायद हो सकती हैं कि जैसे क्या लोग पहले की तरह, अब जैसे पहले ईद रिलीज होती थी, सलमान खान की फिल्म आ रही है या उसके बाद और ब्लॉकबस्टर्स, सूर्यवंशी, राइट, वो रिलीज होने वाली थी, बहुत बड़ी फिल्म थी, वो डिले हो गई, और भी इस तरह की बहुत स्केड्यूलिंग का पता नहीं क्या हशर होगा। तो एक तो क्या लोग दोबारा उस तरह से थिएटर्स में आएंगे जैसे पहले आते थे, ये स्टैगर्ड इफेक्ट अगर रहेगा इसका, और प्रोडक्शन के बारे में आपसे बात हो गई, आपने कहा कि हाँ छोटे छोटे जो स्पॉट बॉयज ये वो सब लोग चले गए हैं तो वो कैसे आएंगे, तो आपको लगता है कि डिजिटली इसका क्या इफेक्ट होगा और थिएटर गोइंग पब्लिक पे इसका क्या इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन जो है? मुझे लगता है थिएटर गोइंग पब्लिक पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि अब लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं और ये इतनी जल्दी कंटेनमेंट ऐसे सिचुएशन में और इस तरह की आबादी के साथ, इंडिया के साथ, तो खैर बहुत मुश्किल है इसको कंटेन करना एक ही झटके में। तो मुझे लगता है ये स्टैगर्ड इफेक्ट हर स्टेट में होने वाला है और हर स्टेट में लोग, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में लोग मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी थिएटर में जाएंगे, चाहे वो प्ले हो, चाहे वो फिल्में हो, या चाहे वो कुछ भी हो, एनी अदर इवेंट ऑल्सो। जैसे NCPA में बहुत सारे ऐसे म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं, ऑर्केस्ट्रास वगैरह होते हैं, प्लेज बहुत सारे होते हैं, तो थोड़ा सा डर तो महसूस होगा ही लोगों को, इतनी जल्दी सब कुछ नॉर्मलसी पे नहीं आने वाली चीजें, और हम शूटिंग भी अगर शुरू करते हैं तो इतनी जल्दी नॉर्मलसी नहीं होगी जी, क्योंकि जहां जहां लोग शूटिंग कर रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र में, वहां तो ये कोरोना वायरस इतनी जल्दी स्प्रेड हो रहा है कि शायद बंबई में सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, और ये थोड़ी सी डरने वाली बात है। और देखते हैं आगे क्या होता है, आई डोंट नो हाउ पीपल आर गोइंग टू सर्वाइव। अब 14 दिन 14 तारीख को होते हैं, इसके बाद गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर क्या कहेंगे हमें, ये किसी को अंदाजा नहीं है। बहुत सारे ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं, तो अब देखते हैं, आई डोंट नो कैसे क्या होगा। तो चलिए, नोबडी हैज द कॉन्क्रीट आंसर, और या nobody has and I don't think anybody will ever have a really concrete answer. और ये कब खत्म होगा, मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि 14 तारीख को आपने एक हथौड़ा मारा और नहीं कह दिया कि हाँ it's all over, no it's not going to be like that, कभी नहीं होगा ऐसे जी। तो हर स्टेट में, अब कर्नाटका में काफी कंटेन हो गया है, केरला में काफी कंटेन हो गया है, लेकिन जो ऐसे स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र है या तमिलनाडु है जी, तो वहां कंटेनमेंट एक हथौड़ा मारने से तो नहीं होगा। मुझे लगता है वो जब तक गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं होगी कि हाँ ये नाउ द कर्व हैज फ्लैटेंड आउट, ओनली देन कि उनको ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ थोड़ा सा कंटेन हो गया। तो एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैंने बताई नहीं, आपने पूछा था कि मैं क्या करता हूं ऐसे इन दिनों में और मैं क्या कर रहा हूं, तो हमने एक वर्चुअल वर्कशॉप शुरू कर दी जी। हमने सोचा कि चलो लोगों के साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन होना चाहिए, अब सिंगापुर में भी लोग लॉकडाउन सिचुएशन में हैं कल से, उसके पहले भी लोग घर से ही काम कर रहे थे, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन तो अभी तक सिंगापुर में हुआ नहीं है, तो मैंने ऐसे ही कुछ लोगों के साथ बातचीत करना शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि हाँ हम करते हैं। तो लास्ट संडे वाज माय वेरी फर्स्ट सेशन, तो एक सेशन, 5 सेशन का ये सिलसिला है, तो कुछ ऐसे 15 एक्टर्स हैं जो आप भी जानते हैं, तो मैंने सोचा चलो इनके साथ कुछ काम किया जाए वर्चुअली, क्यों नहीं, लेकिन कम से कम बातचीत तो होगी, कुछ ऐसे स्पीसेस पढ़ेंगे जी, जरूर, जरूर।
एक तो मैंने सदगति एक किताब है मुंशी प्रेमचंद की, तो उसमें से कुछ पैसेजेस मेल्स को दे दिए, लिहाफ इसमें चुकाई का जो एक बहुत ही खूबसूरत पैसेज है वो मैंने कुछ महिलाओं को दे दिया है, कुछ एक आध इंग्लिश के पैसेजेस हैं जो हिंदी या उर्दू बोलने में उनको कठिनाई होती है, तो ऐसे करके हमने सोचा चलो और कुछ ऐसे गेस्ट स्पीकर्स भी मैंने सोचा चलो कुछ गेस्ट स्पीकर्स भी आएंगे तो सब लोगों के लिए अच्छा होगा, वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, कुछ डिस्कशन होगा। तो मैं बस उसमें थोड़ा सा व्यस्त हूँ कि कैसे क्या किया जाए, क्या क्या होना चाहिए हर सेशन में, क्योंकि 2-3 घंटे का अगर सेशन हो या 4 घंटे का सेशन हो तो उसमें कुछ कॉन्क्रीट बातें अगर हो तो लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए बहुत अच्छा, हमारी शुभकामनाएं आपको कि ये सेशंस अच्छे रहे आपके, प्रोडक्टिव, मेरे ख्याल से प्रोडक्टिविटी पॉजिटिविटी ये चलता रहे ये बहुत जरूरी है। जी, जी, और आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आपके चाहने वालों को, आपके दर्शकों को, मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं। बस यही कहना चाहूंगा क्योंकि ये सिर्फ इंडिया या सिंगापुर से ताल्लुक नहीं रखता, पूरी दुनिया से ये ताल्लुक रखता है ये कोरोना वायरस। सो जितने भी लोग ये देखेंगे जब भी आप इसको रिलीज करेंगे, मेरी आप सबसे एक यही गुजारिश है कि प्लीज हेल्थी रहिए, सेफ रहिए, और जितना भी आप बॉन्डिंग कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, उनके साथ खेलिए, कूदिए, बातचीत कीजिए, स्टोरीज पढ़िए, और खासकर स्पाउसेस के साथ जितना भी आप प्यार बांट सकते हैं दूसरे को, प्लीज वो कीजिए। थैंक यू वेरी मच भाई, आप भी अपना ख्याल रखें और फिर बात होगी। आप भी, और आप सब लोग खैरियत से हैं घर पे? हम लोग सब खैरियत से हैं और बस वर्चुअली वही एक कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी प्रोडक्टिव और कनेक्टेड रहें और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें इस ऐसे हालात में। जी जी जी, तो आप अपना और फैमिली का ख्याल रखें और फिर बात होगी आपसे। आप भी बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। शुक्रिया भाई, शुक्रिया जी, थैंक यू।